रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, सर्दी तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है और आज तो धूप ही नहीं निकली सुबह से, और तकरीबन एक का टाइम होने वाला है और अभी तक जो है ऐसा लगता है कि कहीं से मौसम साफ नज़र आने की उम्मीद ही नहीं है। ये देखिए आप ऊपर जो है पूरे जो है आसमान पर स्मोक फैली हुई है और अभी धूप बिल्कुल ही नहीं निकली और आसिफ जो है सुबह से खेल रहा है सर्दी में। तो अभी बस सर्दियों में तो रूटीन ऐसी ही होती है, सुबह को खाना, सुबह नाश्ता बनाए, उसके बाद चाय पी के नाश्ता बनाए, नाश्ते के बाद फिर दोपहर का खाना, दोपहर के खाने के बाद अभी हम फारिग ही हो रहते हैं कि शाम का खाना शुरू हो जाता है। तो एक सराकी में कहावत होती है, वो एक खा और दूसरा धो, पता नहीं आपकी समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो अभी बस माशाल्लाह से आज का व्लॉग हम इधर अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है और आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो इसी के साथ चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा है, इधर आए हैं बस, अभी जो है सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हमने सोचा कि इधर आग जला लेते हैं, और जैसे ही मैं बाहर निकली तो चूड़ियों वाली मासी भी आ गई, तो हमने सोचा कि मासी सर्दी में आई हैं बेचारी, तो उनसे कुछ चूड़ियाँ पहन लेते हैं और उसको चाय वगैरह भी पिलाते हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, बेचारी काफ़ी दूर से आई हैं। तो अभी उसकी चूड़ियाँ भी देखते हैं कि किस किस्म की उसने चूड़ियाँ लेकर आई हैं। तो माशाल्लाह से अभी मासी आप इधर आग बना बस। अच्छा ग्यारह जा बाबा जा। ये पहले ऐसे करते हैं कि अम्मा को जो है चाय पिला देते हैं, मैं अभी अम्मा के लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मा पानी भी पिएगी? नहीं पानी अगर पीते ना पानी। हाँ बाबू तो हम भी इधर साथ में बैठे हैं और चूड़ियाँ देखते हैं। अम्मा से पूछते हैं कि ये कहाँ से आई है और इतनी सर्दी में सुबह सुबह, सर्दी तो है सुबह तो नहीं है, काफी टाइम हो चुका है लेकिन सर्दी की वजह से हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर्दी की वजह से सुबह सुबह है, माशाल्लाह टाइम तो काफी हो चुका है। और अम्मा से पूछते हैं ये कब अपने घर से चली, तो अम्मा आप उसे कितु आए वे? असें तो आया है कि ऐसे ना ये लोसी नहीं बड़े बड़े नहीं आले, असें तो बड़े बट्टी ना। अच्छा जा जा सारी वेली है रेत वाली जा, ये ऊंची ऊंची जा है भाई, उठाई बैठे हैं। अच्छा तो यहाँ बैठे हैं? हाँ उठाई। तो तुसे वो पीछे कितु आए वे? पीछे समझते मतलब दे हाथ जी बड़े। अच्छा आज ही बड़े बस दस्ती मलूक से आए हुए हैं और यहाँ डेरा लगाया हुआ है। हाँ वो जाए करते जाए कोठन करते जमीन आप दीजिए। अच्छा अच्छा तो कहते हैं इधर हमने आकर जगह खरीदी है और वहाँ हमने अपना मकान बनाया। हाँ मकान करते हैं अपने इस वाला बने, ये चूड़िया चूड़िया बेचन चुआ नीचे से नहीं आ रहे। कहते कि बस्ती मलूक में ना अपनी इनकी जगह है और यहाँ इसने आकर डेरा लगाया है चूड़ियों बेचने के लिए, क्योंकि इस मौसम में जो है सर्दियों में
घर से औरतें बाहर जा नहीं सकती, तो घर बैठे ही आप लोगों को चूड़ियां पहना दो, ऐसे है ना अम्मा? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है, घर बैठे हर किसी को चूड़ियां पहनाती है। तो आज हम भी इतनी सर्दी में, चूड़ियां तो पहले से हमारे पास मौजूद है लेकिन हम दोबारा अम्मा से जरूर पहनेंगे, काफी सारी चूड़ियां पहनेंगे क्योंकि इतनी सर्दी में अम्मा जो है इतने सफर करके आई है, तो चूड़ियां पहन तो अभी बस अभी देखते हैं अम्मा की चूड़ियाँ, माशाल्लाह से काफ़ी सारी चूड़ियाँ और खूबसूरत चूड़ियाँ अम्मा लेकर आई हैं, ये देखें। नहीं वहाँ का ठीक है जी, बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ हैं ये देखें। और उसके बाद अम्मा से कहते हैं कि ये हमें चूड़ियाँ पहनाएगी, तो देखते हैं कि अम्मा चूड़ियाँ कैसे पहनाती हैं। ये देखें ये अभी ये सुनहरे कलर की चूड़ियाँ तो पा रहे सब, ये देखे ये सात रंग की चूड़ियां हैं। तो अभी हमने चूड़ियाँ पसंद कर ली हैं, ये हम दो रंग की चूड़ी हैं, एक इसमें है गुलाबी कलर और एक है इसमें सुनहरी कलर यानी गोल्डन कलर, पिंक और गोल्डन। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦੇ ਹਾਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਸੁਣ ਨਾਲ ਤੋ ਸਾਨਾ ਵੈਸੋ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਲੜਕੋ ਨਾ ਉਸੇ ਹੇ ਹੇ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੜਿਆ ਰਾਂ ਪਿੱਛਾ ਇਹ ਖੜਿਆ ਰਾਂ ਉਹ ਗੁੱਪਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਲਾਹ ਵੈਸੇ ਵਾ ਲਾਇਆ ਸੈਂ ਚੱਲ ਹਾ ਚੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਐਨ ਅੱਛਾ ਕੱਕ ਤੱਕ ਮੁੰਦ ਲਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਇਹ ਠੱਡੇ ਨਾ ਠੱਡਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਬੱਗਾ ਥਿਆ ਖੜੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ माशाल्लाह से अम्मा जो है चूड़ियां बहुत अच्छी पहना रही हैं, ये देखिए बिल्कुल ही जो है बाजू में जो है पूरी पूरी फट के आ रही है, भाग तो ठीक है आवे जी खड़ खड़ मतलब लग रही है। हाथ कई भला से भी की पता नहीं हम जी ठीक नहीं है ना देखो ये आस्ते आस्ते ये गोड लंगा जो सही आ गया चल देखो बेना सूर्य नहीं सही गया चलो कोई डर ना ये छोटे ए छोटे भी है ए छोटे छोटे थी इसमें से
तो अभी बस अभी जो है हम अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ पसंद कर रहे हैं और उनके लिए चूड़ियाँ खरीदते हैं और माशाल्लाह से ये चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सोनी चूड़ी है और अभी इतनी छोटी छोटी चूड़ियाँ भी हैं, बिल्कुल छोटी। मैंने हुरिया के लिए खरीद ली है क्योंकि जब सिकंदर भाई देखेंगे ना वीडियो पे कि मैंने चूड़ियाँ पहनी है तो फिर कहेंगे हाँ आप खुद तो चूड़ियाँ पहन ली, मेरी बेटी के लिए नहीं खरीदी। तो मैं हुरिया के लिए खरीदूंगी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी चूड़ियाँ। माशाल्लाह ये पड़ी हुई है, इतनी सब मेल है ना। इससे भी ये बड़ी चूड़िया मैंने हुरिया के लिए पसंद की है और मैं खरीदूंगी पिंक कलर की। अरे हुरिया के लिए भी पिंक कलर की चूड़िया खरीदूंगी क्योंकि हुरिया को अच्छी लगेंगी। ये देखें, ये मैंने चूड़िया जो हुरिया के लिए खरीदी है माशाल्लाह से, मेरी छोटी सी भतीजे इतनी सी, तो मैंने उनके लिए खरीदी है। तो इंशाल्लाह जब वो मेरे पास आएंगी तो फिर मैं उन्हें पहनाऊंगी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से आज मैं आप लोगों को ये भी बात एक आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरी अम्मा जो है चूड़ियाँ पहन, माशाल्लाह से चूड़ियाँ पहननी चाहिए क्योंकि ये जो है इतनी सर्दी में सुबह सवेरे जो है अपने घर से रवाना हुई हैं, तो इसने यही सोचा है कि घर से चलेंगी चूड़ियाँ बेचेंगी और अपने राशन पानी के लिए जो है जो कुछ जिनसे बन पड़ा वो करेंगी, क्योंकि इनको दौलत इकट्ठा तो नहीं करनी। ये जो कुछ कमाती हैं ये शाम को अपना रोटी पानी का इंतज़ाम करती हैं। और माशाल्लाह से अगर आप लोगों को शौक ही ना हो, ज़रूरत ही ना हो, तो तब भी ऐसे लोगों से चीज़ ख़रीद लेनी चाहिए क्योंकि आप एक तो उसे चीज़ ख़रीद के आप उस पर कोई एहसान नहीं करते, उसको उसकी चीज़ का मुआवजा देते हैं, और उसके अलावा अगर जो कुछ भी आप उनकी मदद कर सकते हैं तो वो भी करनी चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो ही मुस्तहिक होते हैं इंशाल्लाह। हमने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और मासी को जो है हमने भेज दिया है क्योंकि हमारे करीबी इलाके में शादी है, तो वो कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, कहीं हो सकता है कोई चूड़ियाँ पहनने वाली वहाँ भी मिल जाए। तो हमने उसे चाय वगैरह पिलाई और कहा कि जाएँ मासी, अल्लाह ताला आपके हिस्से की जो रोज़ी है इंशाल्लाह आपको ज़रूर देगा। तो विवाज इसी तरह जो है आप लोग भी हमारे साथ रहें, हमारे चैनल के साथ रहें और हमारे वीडियो को देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो दुआ हमारी यही है कि अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, आबाद रखे और जो है हसद करने से बचाए, क्योंकि मैं तो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बस अब क्या बताऊँ, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दुआ करें क्या कीजिए मेरे लिए और मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे और मेरे जितने भी बहन भाई हैं सब लोगों को खुश आबाद रखे और उनको अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी दे। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।